मैं हूँ राबिया अफजल। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात का अलहिदमत कोरोना रिलीफ सेंटर के दौरे पर गुफ्तगु। मुसीबत और मुश्किल के इस लम्हे में बेहतरीन तरीके से काम करने पर अलहिदमत फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। चौधरी काशिम साहब, बिस्मिल्लाह साहब और सारी टीम का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुश्किल के और मुसीबत के इस लम्हे में ये अपना काम बड़े आसान तरीके से और बेहतरीन तरीके से सर अंजाम कर रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर हमारे दो चैलेंज हैं। पहला चैलेंज ये है कि हमने लॉकडाउन पर अमल दरामद कराना है और जो बीमारी है उसको फैलने से रोकना है। जब हम लॉकडाउन पर अमल दरामद कराते हैं तो हमारे शहर के अंदर जो गरीब लोग हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उन तक खाना नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से वो बड़ी मुसीबत का शिकार होते हैं। तो हमारा दूसरा चैलेंज यही है कि मुस्तहकीन तक खाना पहुंचाया जाए। पहले में हम काफ़ी हद तक कामयाब हैं। हमारे चैलेंजेस हैं रूरल एरिया में, लेकिन फिर भी अर्बन एरिया में हम इसको लॉकडाउन को इन्फोर्स करने में काफ़ी हद तक कामयाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में एक भी डेथ नहीं हुई। टोटल 54 हमारे पेशेंट्स हैं, वो भी सारे वो हैं जो बाकी शहरों से आए। लोकल स्प्रेड जो है वो बड़ी कम है, जो है भी है वो बाहर के लोगों की वजह से हो गई। दूसरा हमारा चैलेंज है कि खाना पहुंचाया जाए मुस्तहकीन तक। इसमें मुस्तहकीन के ऊपर मैं बार बार एम्फोसाइज कर रहा हूं, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर जो टोटल हमने लिस्ट बनाई है वो 33,000 फैमिलीज़ हैं जो मुस्तहकीन की लिस्ट में आती हैं, जो इससे बुरी तरह अफेक्ट हुई हैं। 33,000 फैमिलीज़ का मतलब है तकरीबन 3.5 लाख लोग हैं जिन तक हमने खाना पहुँचाना है। एक घर में 6-6, 7-7, 10-10 लोग भी हैं, तो इस 22 लाख की पॉपुलेशन में से 3 लाख लोग वो हैं जिनको हमारी मदद की ज़रूरत है। लेकिन हमारे से जो गलतियां हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि हम खाना मुस्तहकीन तक पहुंचाने की बजाय जो लोग सड़क पर आ रहे हैं और वो बार बार ही बोरियां लेके जा रहे हैं, हम उन तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए हमने इसके ऊपर सख्ती स्टार्ट कर दी है और इसमें मैं अलखिदमत फाउंडेशन को और इनकी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि अपनी जान हथेली पर रख के ये लोगों के पहले सर्वे करते हैं, रिसर्च करते हैं और उसके बाद उस बंदे के घर तक पहुंचा के आते हैं। इससे ये है कि कुछ लोग जो मेन सड़कों पे आके ले जाते हैं और बार बार लेके जा रहे हैं और वो बजाय इसके कि वो अपने लिए रखें वो आगे बेचना शुरू कर देते हैं, तो उस चीज़ से बचाव के लिए मेरी आप सब से भी और जो हमारे इस्लामाबाद के अंदर दूसरे भी चैरिटी की ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे मेरी ये बार बार रिक्वेस्ट है कि आप रिसर्च करके जायज मकदार तक खाना पहुँचाएं। सऊदी अरब पर रियाज भत्ता नज केरला मार्केट सफा मक्का अस्पताल के करीब हशाम ओकला फार्मेसी आपकी खिदमत में पेश पेश। हर किस्म की म्यारी मेडिसिन पर 10% डिस्काउंट हासिल कीजिए। राबते के लिए 2766-55-6। बेहतरीन मेडिसिन का मरकज दारुल हुकूमत अर-रियाज में खान ट्रेवल एंड कार्गो सर्विस आपकी खिदमत में पेश पेश। अपना कीमती सामान अपने प्यारों तक पहुंचाने के लिए काबिले एतमाद इदारा खान ट्रेवल एंड कार्गो सर्विस से राब्ता करें 0597-633-45-011-47-63-016। जरीर मेडिकल सेंटर माल्स रियाज, जहां हर किस्म का मियारी इलाज, एक्सरे, मेडिकल टेस्ट, इकामा बल्दिया, ड्राइविंग लाइसेंस और मियारी अद्वियात डिस्काउंट के साथ हासिल करें। तमाम इंश्योरेंस की सहूलत के साथ विजिट वीजे पर आई फैमिली के लिए स्पेशल डिस्काउंट। राब्ते के लिए 0555-6-7386-0 पर राब्ता करें।